Dear friends and dear students, welcome to our YouTube channel E-Siksha Rajasthan. Let's start the class. Hi everybody, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड चैप्टर थर्ड विजिट टू अ विलेज, यानी कि अब गांव में गांव को देखने के लिए गए, गांव गए, है ना। विजिट टू अ विलेज का मतलब क्या होता है, गांव में घूमने जाना या फिर गांव को देखने जाना, ऐसा। ठीक है, चैप्टर पढ़ते हैं अपन। स्वाति वॉज गोइंग टू विजिट विलेज, विजिट टू अ विलेज। अब क्या है, स्वाति क्या है, अपने गांव चली गई, क्या गांव देखने गई। शी वॉज विथ हर पेरेंट्स, वह उनके पेरेंट्स के साथ यानी कि अपने माता पिता के साथ गांव देखने गई। शी वॉज गोइंग टू विजिट हर ग्रैंड फादर, वह अपने ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, दादा दादी। तो वह अपने दादा दादी से मिलने गांव चली गई। ठीक है, किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। द कार ड्रोव ऑन द हाईवे फॉर सम टाइम्स, अब क्या है, गाड़ी कुछ समय तक तो क्या है हाईवे पे चली, यानी पक्के रोड पर चली। देन इट टुक द विलेज रोड, फिर थोड़ी बहुत समय बाद क्या हुआ, उसको एक गांव के रास्ते में चलाया गया। द रोड वॉज नैरो एंड कच्चा, रोड बहुत ही पतला था और कच्चा था, यानी कि सीमेंट का नहीं बना होकर मिट्टी से बना हुआ था। ठीक है, द कार डिड नॉट मूव स्पीडली, अब क्या है, कच्चे रोड पर गाड़ी तेज नहीं भाग सकती थी। शी फाउंड अ लॉट ऑफ ट्रीज फील्ड एंड ओपन प्लेस, उसको अब वो जब गाड़ी में बैठी थी तो उसको सब क्या दिख रहा था, बहुत सारे खेत दिख रहे थे और उसमें लगे हुए पेड़ पौधे दिख रहे थे और खुली खुली जगह उसको देखने को मिल रही थी। स्वाति सेड, स्वाति ने कहा, पापा लुक देयर आर नो हाउस हियर, पापा देखो इधर एक भी घर नहीं है। लुक एट द रोड अहेड हर फादर सेड, उसके पापा ने कहा कि भाई आगे रोड में आगे देखो, ऑल देज आर फील्ड, सारे के सारे क्या है, खेत है। क्रॉप्स आर ग्रोन हियर, यानी कि सभी खेतों में क्या है, फसल खड़ी है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम हियर, तो हमें क्या है, सारा का सारा जो खाना हम खाते हैं वो हमें क्या है, इन खेतों से ही मिलता है, मतलब खेती बाड़ी से मिलता है। अ ग्रीनरी लुक गुड सेड हर मदर, हरियाली बहुत अच्छी लगती है, उसकी माँ ने कहा। ट्रू इट इज ट्रू, दिस इज अ ग्रीनरी दैट वी मिस मोस्ट इन द सिटीज, उसके पिताजी ने कहा कि भाई हाँ एकदम बिल्कुल सही बात है, ये जो हरियाली है हमें क्या है सिटी में देखने को नहीं मिलती है। लुक देयर आर सम हाउसेस, देखो इधर बहुत सारे घर भी हैं, बट ऑल ऑफ देम आर कच्चा, बट सारे के सारे क्या है, कच्चे घर हैं, यानी कि मिट्टी से बने हुए हैं। स्वाति सैड, स्वाति किसने कहा, ये स्वाति ने कहा। आफ्टर सम टाइम्स दे एंटर इन द विलेज, कुछ समय बाद वे क्या है गाँव में एंटर हुए, यानी गाँव में प्रवेश किया उन्होंने। अ गोइंग थ्रो मैनी स्ट्रीट, मतलब बहुत सारी गलियों से गुजर कर द कार स्टॉप इन द फ्रंट ऑफ अ हाउस, गाड़ी क्या एक पक्के घर के सामने जाकर रुक गई। स्वाति वी हैव रिच ग्रैंडपास हाउस, स्वाति हम क्या है अपने दादा दादी के घर पर पहुंच गए हैं। गेट डाउन नीचे उतरो, सेड हर फादर, उसके पिता ने कहा। बट दिस इज नॉट कच्चा हाउस, सेड स्वाति, बट स्वाति कहती है कि ये तो घर कच्चा नहीं है। हर ग्रैंड फादर ओपन द गेट एंड कम आउट, उसके जो ग्रैंड फादर थे यानी कि दादाजी थे, उन्होंने घर का गेट ओपन किया और बाहर आए। ही पिक अप स्वाति इन हीज हैंड, उन्होंने स्वाति को अपने हाथों से पकड़ा एंड का और कहा, नॉट ऑल हाउस इन द विलेज आर कच्चा, कहा कि सारे के सारे घर गांव में कच्चे नहीं होते, कुछ कुछ घर पक्के भी होते हैं। ऑल अदर मेम्बर्स टू कम आउट, घर के जो सारे मेम्बर्स और भी थे, फैमिली मेम्बर्स, वो भी बाहर आए। दे वेलकम देम, और उनका स्वागत करने लगे। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्वाति हैड कम टू द विलेज, अब स्वाति गांव में पहली बार आई थी, इस समय ये स्वाति गांव में गांव उसने पहली बार देखा था, उसने ग्रैंड पेरेंट्स का घर भी पहली बार देखा था। द हाउस वॉज बिग, घर बहुत ही बड़ा था। इट वॉज अ लार्ज कोर्टयार्ड इन द मिडल, यानी कि घर के बीच में एक बहुत बड़ा बरामदा भी था। अ रूम वर बिल्ट अराउंड इट, और बरामदे के चारों ओर रूम बनाई हुई थी, यानी कि कमरे बनाए हुए थे। शी फाउंड मैनी न्यू थिंग्स देयर, उसे ये बहुत ही देखने को बहुत ही अच्छा लगा उसको, यानी कि नई नई चीज़ देखना उसको बहुत अच्छा लगा। पॉइंटिंग ऑन अ साइड शी क्राइड, उसने जैसे ही साइड में देखा यानी कि बाजू में देखा, शी क्राइड, वह चिल्लाई, लुक पापा देर इज ए मॉन्स्टर व्हीकल, पापा देखो इधर क्या है बहुत ही बड़ा एक साधन भी है, मतलब व्हीकल भी है। हाउ बिग इट व्हील्स आर, इसके जो पहिए हैं वो कितने बड़े हैं।
इट इज़ नॉट मॉन्स्टर व्हीकल, सेड हर फादर. उसके पिताजी ने कहा कि ये क्या है, मॉन्स्टर व्हीकल नहीं है, इट्स अ ट्रैक्टर. ये क्या है, ट्रैक्टर है. इट इज़ यूज इन द फील्ड, जो कि ये क्या है, खेती में, खेत जोतने के लिए काम में आता है. आंटी, व्हाट आर यू डूइंग. आंटी, आप क्या कर रही हो. हर आंटी वॉज ऑपरेटिंग हैंड मिक्सर्स. शी सेड आई एम स्कीमिंग द कर्ट. उसकी आंटी थी जो क्या कर रही थी, हैंड मिक्सर चला रही थी. मतलब वो हैंड मिक्सर चलाना, मतलब आप ये इधर देख रहे हैं ये डायग्राम में, ये देखो देखो, जो ये नीचे एक मटका रखा हुआ है और ये अंदर से एक डंडी है और ये दोनों हाथों से रस्सी से खींच रही है. इसको क्या कहते हैं, हैंड मिक्सर कहते हैं. शी सेड आई एम स्कीमिंग. स्कीमिंग अ कर्ड मतलब दही के अंदर से मक्खन को निकालना है. इसको क्या कहते हैं, स्कीमिंग कहते हैं. ठीक है ना. इट विल सेपरेट अ बटर एंड बटर मिल्क. अब वो क्या कर रही थी मिक्सर में, मिक्सर क्या करता है, बटर को बटर मिल्क से अलग करता है, यानी कि मक्खन को छाछ के अंदर से निकालते हैं. लुक द बटर हैज ऑलरेडी कम अप. लुक द बटर हैज ऑलरेडी कम अप, विल यू टेस्ट. जैसे ही बटर बाहर आया तब आंटी ने उसको पूछा, स्वाति से पूछा कि क्या तुम उससे खाना पसंद करोगे. तो यस शी सेड, स्वाति ने कहा हाँ खाना पसंद करूँगी. हर आंटी पुट अ लिटिल बटर इन हर माउथ. उसकी आंटी ने उंगली में छोटा सा मक्खन लिया, थोड़ा सा मक्खन लिया और उसके मुंह में डाल दिया. स्वाति शाउट, स्वाति चिल्लाई, वाओ हाउ टेस्टी. वाओ कितना अच्छा है. इट्स अ इट इज़ अ टेस्टियर देन द बटर वी गेट इन द सिटीज. वह कह रही है कि ये कितना स्वादिष्ट है, जो जिससे हमें क्या हमारे जो सिटी में यानी कि हमारे शहर में मिलता है उससे कई गुना स्वादिष्ट है. ऑल ऑफ देम आर लाफ लाउडली. और सारे के सारे जोर से हंस पड़े. ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. अब अपन पढ़ेंगे, अब अपन वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं. हाईवे यानी कि मेन रोड, नैरो नॉट वाइड. नॉट वाइड मतलब पतला सा, कच्चा यानी नॉट सीमेंटेड यानी कि मिट्टी से बना हुआ, पक्का यानी कि सीमेंटेड यानी सीमेंटेड सीमेंट से बना हुआ, कोर्ट यार्ड यानी ओपन स्पेस इन द बिल्डिंग यानी कि घर के अंदर का खुला मैदान, मॉन्स्टर यानी ह्यूज यानी बड़ा, स्कीमिंग रिमूविंग अ बटर फ्रॉम बटर मिल्क यानी कि क्या है, छाछ के अंदर से मक्खन निकालना. ठीक है, अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं. टेक द करेक्ट ऑप्शन. स्वाति वॉज गोइंग ऑन अ विजिट टू अ विलेज. विलेज के ऊपर टिक करना है. रोड वॉज क्या होता है, नैरो एंड कच्चा. अ ग्रैंड फादर पिक स्वाति इन हिज हैंड. द डैश इज यूज इन द फील्ड. द ट्रैक्टर इज यूज इन द फील्ड. अब आते हैं क्वेश्चन. होम वॉज स्वाति गोइंग टू द विलेज. अब स्वाति गांव किस लिए गई थी, तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए, विजिट. What was the monster vehicle in the village? Tractor. Were all house in the village कच्चा, तो सारे के सारे जो गांव के घर होते वो कच्चे होते, तो no. Does your mother separate a butter milk from ना butter from butter milk? How does it? तो yes, हमारी yes लिखना है. And she do it using mixture. वह किसके mixture की मदद से, hand mixture की मदद से करती है. Question third. Answer the following question. Where was Swati going? Swati was going to village. What are grown in the field? Crops are grown in the field. Where is the tractor used? Tractor used in the field. What is tastier than the city butter? The village butter is tastier than the city butter. Ab write who. Ab ye kisne kahe hain? Right, आपको क्वेश्चन डी में लिखना है. राइट हु सेड द फॉलोइंग. ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये किसने कहे थे इस चैप्टर में, तो अपन पढ़ेंगे. वी गेट अवर फूड फ्रॉम हियर. हमें इधर से खाना मिलता है, तो ये किसने कहा था, फादर ने कहा था. बट दिस इज नॉट अ कच्चा हाउस. ये किसने कहा था, स्वाति ने कहा था. नॉट ऑल हाउस इन द विलेज आर कच्चा. ये किसने कहा था, ग्रैंड फादर ने कहा था. आई एम स्कीमिंग द कर्ड. ये किसने कहा था, आंटी ने कहा था. अब आपका क्वेश्चन ई है. कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ये आपको स्पेलिंग कंप्लीट करनी है. तो फर्स्ट का क्या आएगा, विलेज.
VILLAGE विलेज, CROPS क्रॉप्स, HOUSE हाउस, MONSTER मॉन्स्टर, BUTTER बटर। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग। हाईवे का क्या होगा? मेन रोड, नैरो, नॉट वाइड, कच्चा, नॉट सीमेंटेड, पक्का, सीमेंटेड एंड मॉन्स्टर, लार्ज एंड अगली। ठीक है, अब ग्रामर प्रैक्टिस। आपको सब के अंदर वर्ड के पीछे क्या लगाना है? ES लगाना है। RUSH रस, रसेज, बस, बसेज, मैच, मैचेज, वॉच, वॉचेज, पोटैटो, पोटैटोज, फॉक्स, फॉक्सेज, मैंगो, मैंगोज, रेस, रेसेज, क्लास, क्लासेज एंड हीरो, हीरोज। ठीक है, अब आपको मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर साउंड। अब कौन से एनिमल कैसे कैसे आवाज निकालते हैं वो आपको करना है। द कैट म्याऊ, लॉयन रोर्स, एलिफेंट ट्रम्पेट्स, डॉग बार्क, मंकी चैटर एंड हॉर्स ने, है ना। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।